एक ऐसे महर्षि जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए समूचे समुद्र का जल पी लिया था। इन्होंने विशाल विंध्याचल पर्वत को भी झुका दिया था और मणिमति नगरी के इल्लवल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों की शक्ति को भी नष्ट कर दिया था। वेदों से लेकर पुराणों में इनकी महानता की अनेकों बार चर्चा की गई है। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में उनके विशिष्ट योगदान के लिए जावा, सुमात्रा आदि में इनकी पूजा की जाती है। इन्होंने न सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया, बल्कि विश्व के कई देशों में कृषि और पशुपालन का ज्ञान भी लोगों को दिया। दोस्तों, यहाँ तक कि बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में इन्होंने कई सफल प्रयोग किए और पूरी मानव जाति को एक अच्छा और बेहतर भविष्य देने में इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। दोस्तों, आप सभी ने अगस्त ऋषि का नाम तो सुना ही होगा, पर अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि इन्होंने मानव जाति के लिए कौन कौन से कार्य किए, क्योंकि हम सिर्फ वही पढ़ते हैं जो हमारे सामने रखा जाता है और हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। दोस्तों, आज हम आपको अगस्त ऋषि से जुड़े महान कार्यों को आप सभी के सामने रखेंगे, जिसे जानकर आपको ये पता चलेगा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने घोर तप, कर्म, उपासना, संयम के जरिए वेदों में छिपे इन गूढ़ ज्ञान व विज्ञान को ही जानकर हजारों साल पहले ही कुदरत से जुड़े कई रहस्य उजागर करने के साथ कई आविष्कार किए व युक्तियां बताई। ऐसे विलक्षण ज्ञान के आगे आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक होता है। कई ऋषि मुनियों ने तो वेदों की मंत्र शक्ति को कठोर योग व तपोबल से साध कर ऐसे अद्भुत कारनामों को अंजाम दिया कि बड़े बड़े राजवंशी व महाबली राजाओं को भी झुकना पड़ा था। महर्षि अगस्त एक वैदिक ऋषि थे। ये वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। इनका जन्म श्रवण शुक्ल पंचमी 3000 ईसा पूर्व को काशी में हुआ था। दोस्तों, ये सभी तो हम जानते ही हैं कि आधुनिक युग में बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात मैं संस्कृत का वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया था और उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे कि मुझे बल्ब बनाने में मदद मिली। ऋषि अगस्त ने अगस्त संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की बहुत चर्चा होती है। इस ग्रंथ की प्राचीनता पर भी शोध हुए और इसे सही पाया गया। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। इन सूत्रों से पता चलता है कि महर्षि अगस्त एक सफल वैज्ञानिक थे और जिनके संहिता का अनुसरण करके वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए और उनमें सफल भी हुए। इन्होंने न सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया, बल्कि विश्व के कई देशों में कृषि और पशुपालन का ज्ञान भी लोगों को दिया। महर्षि अगस्त जब विश्व भर में भ्रमण कर रहे थे, तब पानी के जहाज व अन्य सुविधाजनक चीजें नहीं होती थी, बल्कि ये हाथ वाली पतवार से ही विश्व भर में हिंदू धर्म का प्रचार करते हुए घूम रहे थे। ऐसा बोला जाता है कि ये ऋषि कुछ 5000 सालों तक जीवित रहे थे। अगर आप कंबोडिया के भी इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ कई तरह की रोचक जानकारियां पढ़ने को मिलेगी और यहीं पर पता लगेगा कि कंबोडिया में इस ऋषि ने मंदिरों के निर्माण के अलावा यहाँ के लोगों को कृषि करना भी सिखाया था। यहाँ जहाँ जहाँ हिंदू संस्कृति मौजूद है, उसका पूरा श्रेय इसी ऋषि को जाता है। जावा द्वीप समूह में भी अगस्त ऋषि का नाम आया है। इसके अलावा अमेरिका तक का भ्रमण अगस्त ऋषि ने किया था। हमें हमेशा से ये पढ़ाया जाता रहा है कि भारत को खोजा गया था, पर यह सरासर गलत है, क्योंकि विश्व में कई देश तो हमारे ऋषियों ने ही खोजे थे और ऋषियों के बताए गए रास्ते पर चलकर ये लोग भारत पहुंचे थे। महर्षि अगस्त हर दिशा में पारंगत थे, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, आध्यात्म का क्षेत्र हो या मानवता की दिशा में किया गया कोई कार्य हो। वे लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाते थे और जब किसी की रक्षा करने की बात आती थी तो वे पापियों का सर्वनाश करके उससे मुक्ति दिलाते थे। इस संदर्भ में कई कथाएं भी प्रचलित है, जिनमें एक बार समुद्री राक्षसों के अत्याचार से घबरा कर देवता लोग इनकी शरण में आए और रक्षा करने की गुहार लगाए। फलस्वरूप ये हुआ कि ये सारा समुद्र ही पी गए। विंध्याचल पर्वत, जो कि महर्षि का शिष्य था, उनका घमंड इतना बढ़ गया था कि जिसके फलस्वरूप उसने अपनी ऊंचाई इतनी बढ़ा ली कि जिनके कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचनी बंद हो गई थी तथा प्राणियों में हाहाकार मच गया था। सभी देवताओं ने महर्षि से अपने शिष्य को समझाने की प्रार्थना की। महर्षि ने विंध्याचल पर्वत से कहा कि उन्हें तप करने हेतु दक्षिण में जाना है, अतः उन्हें मार्ग दे। विंध्याचल महर्षि के चरणों में झुक गया। महर्षि ने उससे कहा कि वह उनके वापस आने तक झुका ही रहे और ये कहने के बाद वे पर्वत को लांग कर दक्षिण दिशा में चले गए। उसके पश्चात उन्होंने वही आश्रम बनाकर तप किया और वही रहने लगे।
महर्षि अगस्त के भारतवर्ष में अनेकों आश्रम हैं। इनमें से कुछ मुख्य आश्रम उत्तराखंड, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में है। उत्तराखंड में इनका आश्रम रुद्रप्रयाग नामक जिले के अगस्त मुनि नामक नगर में है। यहाँ महर्षि ने तप किया था और आतापी वातापी नामक दो असुरों का वध भी किया था। दूसरा आश्रम महाराष्ट्र के नागपुर जिले में है। श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ तथा इनका आश्रम पास ही था। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से श्री राम जी ने ऋषियों को सताने वाले असुरों का वध करने का प्रण लिया था। महर्षि अगस्त ने श्री राम को इसी काली हेतु कभी न समाप्त होने वाले तीरों वाला तरकश प्रदान किया था। दोस्तों, भारत में जन्मे ऐसे महान ऋषि को शत शत नमन, जिन्होंने मानव कल्याण हेतु अनेकों कार्य किए, अनेकों शोध किए। उन्होंने ही विज्ञान जगत के महान रचनाओं की नींव रखी। पर यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमारे आंखों के सामने हमेशा से ही ऋषि मुनियों को सिर्फ भगवा वस्त्र पहने हुए धार्मिक कार्य को करते हुए दिखाया गया है। उन्हें हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ धर्म से जोड़कर यज्ञ और हवन करते हुए दिखाया गया है। उनके द्वारा लिखे गए महान रचनाओं को गुमनामी के अंधेरों में सदियों पहले ही दबाकर रख दिया गया था, और अगर किसी ने इन परतों को उठाने की कोशिश भी की तो इनकी आवाज जन जन तक पहुंच ही नहीं पाई, जिसके कारण ये अद्भुत रचनाएं सिर्फ और सिर्फ रहस्य, मिस्ट्री, प्राचीन ऋषियों के द्वारा किए गए शोध, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, भारत के 10 आविष्कारक ऋषि और न जाने कैसे कैसे टाइटल द्वारा हमारे सामने पेश होते रहते हैं। पर ये आज तक किसी ने नहीं सोचा कि इन किताबों को, वेद पुराण को और गीता को बचपन से ही यानी कि नींव से ही जोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर नींव सुदृढ़ रहेगी तो जीवन में भटकाव नहीं आएगा, जिससे कि हमारे मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब हमारे पास पहले से ही रहेगा और हम जो भी कार्य करेंगे वो जनहित के लिए होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए होगा, और जिससे हमारे भारत का हर वर्ग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तौर पर और हर क्षेत्र में अग्रिम होगा, और जिसका सपना हमारे भारत के महान ऋषि मुनियों ने देखा, महात्माओं और पुण्य आत्माओं ने देखा। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है मेरे कहे गए शब्दों के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।